हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और तकरीबन कंक्लूड है हमारे पूरे जो कोर्स है उसका, और चैप्टर का नाम है बिल्डिंग करियर स्किल्स। और ये आपको आपकी जो बुक है कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, उसमें चैप्टर नंबर 15 के तौर पे मिलेगा। चैप्टर की हेडिंग उस बुक में चेंज है और सिलेबस तो कुछ और है, तो हम सिलेबस के मुताबिक को फॉलो करते हैं। बिल्डिंग करियर स्किल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम एजुकेट तो हो रहे होते हैं, स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जा तो रहे होते हैं, लेकिन हम ये फोकस नहीं कर रहे होते हैं कि हमें अपने अंदर कौन सी स्किल्स क्रिएट करनी है या हो रही हैं। हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा होता कि हमें कौन सी स्किल्स क्रिएट करनी है या कौन सी स्किल्स हमारे अंदर क्रिएट होनी है। स्किल्स कहते हैं सलाहियत को, किसी काम को अच्छी तरह करने की एबिलिटी। तो जब से हम पढ़ना शुरू करते हैं स्कूल्स के अंदर, अच्छा क्लास मेरी आपके साथ है या हमारी क्लास 10 बजे? प्लीज मुझे जरा कंफर्म कर दें। सही है सर, आपके टाइम पे ही है। नहीं मेरी टाइम पे 10 बजे तो नहीं है ना? ठीक है जी। सो बिल्डिंग करियर स्किल्स को हम डिस्कस करते हैं कि हमें अपने अंदर कौन कौन सी एबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए जो हमें करियर के अंदर, यानी जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो वो हम इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग इन द न्यू इकोनॉमी। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है वर्किंग इन द न्यू इकोनॉमी? इसका मतलब है कि कोई ओल्ड इकोनॉमी भी होती होगी या ओल्ड इकोनॉमी नाम की कोई चीज है। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ओल्ड इकोनॉमी क्या है। ओल्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जो पिछला दौर था जिसमें लोग अपनी ज्यादातर जिंदगी एग्रीकल्चर में रहकर गुजारा करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर में रहकर गुजारा करते थे, मसलन वो तमाम लाइफ जिसमें लोग गांव देहात में फार्मिंग करते थे या करते हैं, या वो तमाम लोग जो फार्मिंग के साथ साथ कैटल फार्मिंग करते हैं, या जिनका जिंदगी का जो जरिया है वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड प्रोफेशन थे, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर ये निजाम, ये सिस्टम राज था। चाहे दुनिया का कोई भी खित्ता हो, दुनिया का कोई भी कॉन्टिनेंट हो, तकरीबन हर जगह लोगों के जो बेसिक प्रोफेशन थे, वो बेसिक प्रोफेशन क्या थे, वो उनके बेसिक प्रोफेशन थे एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो हर खानदान, हर घर, हर जगह का एक ही प्रोफेशन हुआ करता था, या तो वो एग्रीकल्चरल लैंड उनके पास हुआ करती थी या फिर वो एग्रीकल्चर लैंड पर इम्प्लॉय हुआ करते थे। जरूरी नहीं कि सबकी अपनी जमीन हुआ करती थी, कुछ किसान हुआ करते थे और कुछ उस जमीन के मालिक हुआ करते थे। तो यही लोगों का एक खास प्रोफेशन था। सबको पता होता था कि पैदा होने के बाद जब बड़े होंगे तो उनकी जिंदगी का जो प्रोफेशन है वो क्या होगा।
इससे ज्यादा उनके पास कोई और चांस नहीं थे। हाउएवर इट वॉज वंडरफुल टाइम, और अभी भी जो लोग एग्रीकल्चर लैंड से वाबस्ता हैं वो सबसे ज्यादा खुश तरीन लोग हैं और सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि वो किसी के मोहताज नहीं। जब हम बात करते हैं वर्किंग इन द न्यू इकोनॉमी, तो इससे हमारी मुराद है, न्यू इकोनॉमी से हमारी मुराद ये है जो हमारा इस वक्त आज का दौर है, ठीक है। आज के दौर को हम कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा। इसको इस तरह समझाते हूँ आपको कि जो सबसे पहला दौर था वो था एग्रीकल्चरल एरा, यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले तक लोगों के जो प्रोफेशन थे वो शुरू हुए एज एन एग्रीकल्चरिस्ट। फिर एग्रीकल्चर के साथ साथ एक और दौर शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एरा या इंडस्ट्रियल टाइम या इंडस्ट्रियल पीरियड। ये तकरीबन आज से 250 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है, और दुनिया में इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई और लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, अपनी एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को छोड़ दिया और फिर वो इंडस्ट्रीज की तरफ आ गए। आज का जो दौर है उसको हम कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एरा, यानी इंडस्ट्रीज के बाद के आने वाला दौर, ठीक है। तो अब ये तीन जो पीरियड मैंने आपसे शेयर किए हैं, एग्रीकल्चरल, नंबर टू इंडस्ट्रियल और नंबर थ्री पोस्ट इंडस्ट्रियल, तो ये टॉपिक है वो एक्चुअली आज की बात हो रही है, आज के दौर की बात हो रही है, वर्किंग इन द न्यू इकोनॉमी। अब इस न्यू इकोनॉमी में हर कोई ना तो किसान है ना ही हर किसी के पास जमीन है। मिसाल के तौर पर इस वक्त जितनी भी स्टूडेंट्स मेरे साथ क्लास ले रहे हैं इंक्लूडिंग मी, हो सकता है कि इनमें से कोई एक दो लोग ऐसे हों, हो सकता है कि जिनकी अपनी कोई जाती एग्रीकल्चर लैंड हो और उनकी जिंदगी का जो गुजर बसर है वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड से हासिल होने वाले पैसों से ही है, ठीक है। एंड दे आर वेरी लिटिल पीपल, बहुत कम ऐसे लोग हैं, अभी मैं बात करूँ इस क्लास में जो हम बात कर रहे हैं, शायद उनकी बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिनकी जिनको अपनी जमीनें होंगी, ठीक है। तो कितने लोग हैं आप में से जिनका फैमिली प्रोफेशन एग्रीकल्चरल है, कैन यू मैसेज मी, और किसी का नहीं है, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हुज पेरेंट्स प्रोफेशन इज एग्रीकल्चरल लैंड एंड द होल लाइफ दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल अर्निंग। आई गेस के तकरीबन किसी का भी प्रोफेशन इस वक्त एग्रीकल्चर नहीं है, कम से कम कराची में रहने वाले लोगों का जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, ठीक। अब जो न्यू इकोनॉमी है इसका मतलब यह है कि कोई किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा है, किसी की कोई दुकान है, कोई कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, राइट एंड सो ऑन। सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज हैं, सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं। तो अब इस मल्टीपल वर्किंग इकोनॉमी के अंदर, इस मल्टीपल न्यू इकोनॉमी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से करियर को चूज करना है, ठीक है। इस पैंडेमिक ने सबको ये बता दिया कि हम में से किसी की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। आप कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन इस पैंडेमिक ने उस बिजनेसमैन को भी एक कॉर्नर पर लाके खड़ा कर दिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारी एक मिसाल है कि इस न्यू इकोनॉमी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका करियर क्या है और आपको कौन से स्किल्स डेवलप करनी है
जो इस न्यू इकोनॉमी में आपको हमेशा एडजस्ट कर सके। ठीक है, इस न्यू इकोनॉमी के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी है। अब आपकी जॉब जो है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ आपके शहर तक, आप ग्लोबल इकोनॉमी में काम कर सकते हैं। मसलन आप अमेरिका में काम कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं, आप टर्की में काम कर सकते हैं, आप अफगानिस्तान में अपॉइंट हो सकते हैं और आप कहीं भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्या है और क्या चीज रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर इस पूरी दुनिया में एक चीज कंफर्म्ड है कि कंप्यूटर लिटरेसी, टेक्नोलॉजी का पता होना, अगर किसी को टेक्नोलॉजी का बेहतर पता है तो वो इस दुनिया में कहीं भी काम करके एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब न्यू इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना, उससे अटैच होना, ये सबकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को सॉफ्टवेयर आए और हार्डवेयर की नॉलेज मौजूद हो। इसका मतलब ये कि जिस जिस फील्ड में आप हैं आपको चाहिए कि उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर है वो सीखें और उसको अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर अगर कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, फाइनेंस में जाना चाहता है, तो उसको फाइनेंसिंग जो फाइनेंशियल शीट है, जो फाइनेंस के जो सॉफ्टवेयर है उसका पता होना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। बैलेंस शीट का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको पता होना चाहिए और जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो उससे बिल्कुल हम आंग हो, ताकि जब वो किसी इंटरव्यू के लिए जाए और उससे पूछा जाए कि भाई आपको कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में क्या पता है, तो बजाय इसके कि आप ये बताएं कि मुझे एमएस ऑफिस आता है और मुझे इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है, वो ये नहीं पूछ रहा आपसे, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी क्या स्किल्स हैं अपनी इस एजुकेशन और इस जॉब से रिलेटेड। तो अगर आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से आप वो कैंडिडेट होंगे जो उस जॉब के सही हकदार होंगे। ठीक है, सो इसको अगर मैं लुब्बे लबाब बताऊं, कंक्लूड करूं, तो इसका सिंपल मतलब ये है, वर्किंग इन द न्यू इकोनॉमी का मतलब ये है कि अपने आप को मल्टी टास्किंग इंसान बनाना और देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है उसके मुताबिक अपनी स्किल्स को डेवलप करें। राइट, दूसरी चीज जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये कि जब आप पास आउट होंगे, जब आप ग्रेजुएट करेंगे इंशाल्लाह, एक सबसे बड़ा मसला सामने आएगा और वो आएगा कि जॉब्स कहाँ हैं, जॉब्स कहाँ से ढूंढी जाएं। ठीक है, और जॉब्स कहाँ होंगी। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा अपने दोस्त अहबाब में, अखबारात में, टीवी पर, फैमिलीज में, माँ बाप से, दोस्तों में, कि जॉब्स ही नहीं है कहीं, बेटे ने ग्रेजुएट कर लिया और जॉब्स नहीं है, मारा मारा फैल रहा है, कराची में जॉब नहीं है, पाकिस्तान में जॉब नहीं है, दुनिया में जॉब नहीं है। ठीक है, किसी हद तक ये बात सही है कि जॉब्स कम होती हैं, काम कम होता है, लेकिन अगर आपकी स्किल्स और आपकी करियर डेवलपिंग स्किल्स हैं और आपने ऐसे सब्जेक्ट को चूज किया हुआ है कि जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं या चूज करते हैं, या किसी ऐसी स्किल्स को सीखा हुआ है जिसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब्स को हासिल करने के। ठीक है, अब जैसे आप सब बीबीए और एमबीए कर रहे हैं और आपके अलावा पूरे पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5-6 लाख बीबीए और एमबीए करके निकलते हैं। इसका मतलब ये कि 5-6 लाख नौकरियां एट अ टाइम होनी चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं कि हर किसी को नौकरियां मिल जाएं। अब ऐसा क्या किया जाए कि आपका बीबीए जो है या एमबीए जो है वो आपको हेल्प आउट करे बहुत क्विक नौकरी दिलाने में। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको अपने साथ कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है,
जब आपने स्किल्स डेवलप कर ली तो उसके बाद अब आप ढूंढेंगे जॉब है किधर। तो जॉब ढूंढने का जो तरीकेकार है वो मल्टीपर्पस है, मल्टी टास्किंग है। मिसाल के तौर पर जॉब जो हैं वो अखबारात में इश्तिहार दिए जाते हैं, उसके जॉब्स आपको इंटरनेट पे मिलती हैं, जॉब्स आपको किसी रेफरेंस से मिलते हैं, ठीक है। जॉब्स आपको डोर टू डोर जाकर सीवी ड्रॉप करने से मिलती है। आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा, आपको अपने इर्द गिर्द का सर्वे करना पड़ेगा कि यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट है क्या, व्हाट दे वांट। मिसाल के तौर पर हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि देर मस्ट बी अ कैंडिडेट हुज इंग्लिश एंड राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग शुड बी परफेक्ट, क्योंकि इसी तरह वो चाहते हैं कि वी नीड अ पर्सन हुज इंग्लिश इज परफेक्ट एंड ही नोज द लीगल लैंग्वेज। बहुत से जो कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंजीनियर को हायर करती हैं जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और उसको लीगल जो वोकैबुलरी है वो आती है और लीगल राइटिंग उसको आती है। तो जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग होती है कोर्ट के जरिए, कोई गवर्नमेंट के जरिए, तो उसको जरूरत पड़ती है कि वो ये अपनी स्किल्स को शो कर सके, ठीक है। सो वेयर द जॉब विल बी पॉसिबल, मतलब ये है यू नीड टू फाइंड द जॉब एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट लोकेशन। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपने जो अब इसकी सिंपल मिसाल यह है कि आपने बीबीए और एमबीए किया हुआ है और आप चले जाएं जॉब ढूंढने के लिए किसी छोटे से शहर में जहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं होती, जहां पर चंद लोग रहते हो, किसी गांव या किसी छोटे से शहर में, तो वहां पर आपको अपनी स्किल्स के मुताबिक जॉब मिलना मुश्किल होगी, और अगर मिल भी जाएगी तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जिसके लिए आपने काम किया। तो ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड द लोकेशन, द राइट लोकेशन एट द राइट टाइम, ठीक है, विद द राइट करियर, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर गेटिंग अ जॉब, ठीक है। तो ये सेंस होना चाहिए हमें कि जॉब्स हैं कहाँ। तीसरी बात ये कि वी शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट आवर फ्यूचर, और फ्यूचर का ताल्लुक है प्लान्स के साथ। देखिए, जब तक हमें ये आइडेंटिफाई नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, जब तक आपको अपनी मंजिल का नहीं पता, ये बात जरूर है कि फ्यूचर को किसने देखा नहीं है, कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोचकर कि कल क्या होने वाला है हम सब कुछ छोड़ दें, ये भी सही नहीं है। कल क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आज कम से कम आप ये प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो देर आर सम पीपल हु आर वेरी मच केयरफुल अबाउट देयर फ्यूचर, ठीक है। मसलन जो स्टूडेंट्स ये प्लान कर लेते हैं कि मुझे ये टारगेट हासिल करना है, तो वो अपने फ्यूचर को प्लान कर लेते हैं। अपने फ्यूचर को प्लान का मतलब ये होता है कि वो अपने मुताबिक, उस फ्यूचर के मुताबिक अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। मसलन अगर कोई चाहता है कि मैं किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में काम करूं, वहां पे एडिटर लग जाऊं, या कोई सहाफी बन जाऊं, या कोई जर्नलिस्ट बन जाऊं, तो अब उसके लिए डेफिनेटली उसका टास्क क्या होना चाहिए, उसका टास्क ये होना चाहिए कि ही शुड डेवलप हिज इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, ही शुड डेवलप हिज राइटिंग स्किल्स, एंड ही शुड डेवलप ऑल दोज स्किल्स विच आर नेसेसरी फॉर अ इंग्लिश न्यूज़पेपर एडिटर, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कैरियर को, फ्यूचर को कैसे चूज करें, क्या आपको बनना है, कहाँ आपको जाना है, आपको बैंक में जाना है, आपको किसी फाइनेंशियल फर्म में जाना है, आपको किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, ठीक है, या आपको किसी मैनेजमेंट की तरफ जाना है, या आपको किसी टेक्निकल साइड की तरफ जाना है, या आपको किसी प्रोडक्शन की साइड की तरफ जाना है,
या आपको मार्केटिंग की साइड की तरफ जाना है, तो अपने जहन के मुताबिक चूज करें कि आप की मार्केटिंग स्किल्स हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये सब हमें पता होता है एज अ स्टूडेंट, हमें पता होता है कि हम कितना अच्छा बोल लेते हैं, हमें ये पता होता है कि हम कितनी अच्छी बात कर सकते हैं, हमें ये पता होता है कि हम कैसे लोगों को डील कर सकते हैं। तो अपने अंदर अपने आप को फाइंड आउट करें कि मेरी स्किल्स क्या है और उसके मुताबिक अपने फ्यूचर को फाइंड आउट करें। मिसाल के तौर पे आप अगर अपने फ्यूचर करियर को ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर डॉक्टर बनने की स्किल्स नहीं है, डॉक्टर बनने की स्किल्स का मतलब ये होता है कि अ पर्सन शुड बी वेरी मच यू नो सिंपैथेटिक इन हिज लर्निंग, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होना चाहिए और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए और पीस ऑफ माइंड होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। अब अगर ये स्किल्स आप और लर्निंग होनी चाहिए, अगर ये स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको एज अ डॉक्टर फ्यूचर प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर ये आपके अंदर ये सलाहियतें नहीं है तो आप लास्ट कोशिश कर लें, यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर। तो यू शुड एक्सप्लोर योर स्किल्स, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को ढूंढें कि आप क्या हैं और कहाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके मुताबिक अपने फ्यूचर को आप प्लान करें। अच्छा जी, करियर बिल्डिंग के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ें एक और वो है योर कोर्स ऑफ स्टडी। हम अपनी जो लेक्चर्स हैं, किताबें हैं, जो हमारे कोर्सेज हैं, उसको हम 4 साल पढ़ के गुजार देते हैं और 4 साल बाद हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई जो कुछ किताबों में पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। जो कुछ हम पढ़ते हैं हर चीज वही इस्तेमाल होती है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, बस सिर्फ फर्क यह है कि हम जो पढ़ते हैं वो हम किताब के हवाले से पढ़ते हैं, चैप्टर के हवाले से पढ़ते हैं, पेज टू पेज पढ़ते हैं, रियल लाइफ के अंदर इस तरह नहीं होता। या आपने जो चैप्टर 1 पढ़ा था उस चैप्टर 1 की नॉलेज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, दूसरे स्टेप में चैप्टर 2 की नॉलेज यहाँ पे अप्लाई होगी, ऐसा नहीं होता। ये तमाम चीजें जो आप 4 साल पढ़ के निकलते हैं या आपके सबकॉन्शियस में मौजूद होती हैं, आपके बैक ऑफ माइंड में मौजूद होती है, और जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में काम कर रहे होते हैं तो ये अनकॉन्शियसली आपको हेल्प आउट कर रही होती है कि मसलन आपने कोई स्किल सीखी मैथमेटिक्स की, अकाउंटिंग की, आप भूल गए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं और जब आप अकाउंटिंग की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प आउट कर रही होती है। तो जितने भी आपका कोर्स ऑफ स्टडी है अगर वो फोकस हो जाए, मसलन अगर जो कुछ आप पढ़ें, ये जो हम स्टडी स्किल्स पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर हो सकता है कि आपको ये बहुत आसान या बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा हो, लेकिन ये स्टडी स्किल्स आपके काम उस वक्त आएगी जब आप किसी प्रैक्टिकल पोजिशन में मौजूद हो, जब मैनेजमेंट के साथ हो, जब आप इंटरव्यू कर रहे हो, जब आप किसी को हायर कर रहे हो, जब आप किसी को फायर कर रहे हो एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट। तो यू शुड बी एबल टू जज द स्किल्स ऑफ अदर्स, ठीक है। तो जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको प्रोफेशनली अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि पहले उसको फोकस किया जाए इस एज के अंदर जिसमें आप हैं। पांचवी चीज है प्लान्स। लाइफ इज ऑलवेज सक्सेसफुल व्हेन यू प्लान इट, एंड प्लान्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय different plans, plan B, plan C and so on. अच्छा देखिए, एक होता है आपका master plan. master plan का मतलब ये होता है कि what you have decided. Unfortunately, your master plans if fails, कि अगर आपका master plan fails हो जाए, अगर किसी वजह से वो master plan पूरा ना हो पाए, so you should have another plan. अब इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि we have all the plans, हमारे जो master plan थे
वो ये थे कि हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो अक्सर क्लास के अंदर 50% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपने इंटरमीडिएट में या तो प्री इंजीनियरिंग को चूज किया होता है या उन्होंने प्री मेडिकल को चूज किया होता है। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? ठीक है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने या तो प्री इंजीनियरिंग चूज किया होता है या प्री मेडिकल चूज किया होता है, लेकिन जब उन्हें दाखिला नहीं मिलता प्री इंजीनियरिंग के बाद एनईडी में या किसी मेडिकल कॉलेज में, सो दे आर डिस्ट्रक्ट। अब वो लोगों से पूछते हैं करें क्या। इसलिए जरूरी है कि वी शुड हैव अवर प्लान्स, कि हमें ध्यान में होना चाहिए कि अगर मैं यहां तक नहीं पहुंच सका तो मुझे करना क्या है, ठीक है। एंड योर प्लान्स शुड बी परफेक्ट, इट शुड बी यू नो कॉन्फिडेंट प्लान्स, इट शुड बी रिटेन, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, गोल होने चाहिए इस प्लान्स के अंदर, ताकि आप वक्त आने पर उनको इस्तेमाल कर सकें। आई जी, अब जो सबसे अहम तरीन मरला ये जानना कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है आपसे, एम्प्लॉयर आपसे क्या चाहता है। अगर इसकी मिसाल से समझने के, अगर आप ये समझ जाएं कि आपका टीचर एग्जाम में आपसे क्या चाहता है कि आप क्या लिखें, तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपको पता चल जाए कि आपका टीचर एग्जामिनेशन में आपसे क्या मटेरियल चाहता है, तो आप टीचर के मुताबिक ही तैयारी करेंगे और टीचर के मुताबिक ही आप प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनेशन पेपर के अंदर। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो कि टीचर क्या डिमांड कर रहा है, उसको किस किस्म का मटेरियल चाहिए, उसको कितना बड़ा जवाब चाहिए, ठीक है, उसको कितनी क्वालिटी चाहिए, उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, और वो उसको कौन सी चाहिए प्रेजेंटेशन, अगर आपको ये नहीं पता हो तो फिर आपके चांसेस सक्सेस के एग्जामिनेशन में कम से कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है हमें एज अ करियर ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर हमसे क्या चाहता है। अब अगर इस बात को देखें कि एम्प्लॉयर हमसे क्या चाहता है, तो एक स्लाइड मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उसको हम देखते हैं और फिर देखते हैं इसको समझते हैं कि एम्प्लॉयर हमसे क्या चाहता है। यू कैन सी दिस स्लाइड, और यहां पे लिखा हुआ है एसेंशियल कैरियर स्किल्स टुडे वर्किंग वर्ल्ड। के यहां पे एक तरफ देख सकते हैं आप कैरियर स्किल्स जो कि एम्प्लॉयर डिमांड करता है, और एक साइड को लिखा है व्हाट यू नीड टू बी एबल टू डू। एम्प्लॉय साहब से ये चाहता है कि आपके पास बेसिक लिटरेसी हो, आपका एम्प्लॉयर जिसको जहां आप जॉब करना चाहते हैं वो आपसे ये चाहता है कि आपका बेसिक लिटरेसी मौजूद हो। मसलन आपको पढ़ना आता हो और आपको समझना आता हो और आपको जो आपको काम दिया गया है उसको फिगर आउट करना आता हो, फिर एम्प्लॉयर आपसे चाहते हैं कि यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कभी भी अखबारात में आप जाएं और इश्तेहार देखें जॉब के, तो वहां पे लिखा होगा वी नीड एन एम्प्लॉय विद द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, यानी जो अच्छा सुनने की सलाहियत रखता हो, अच्छा बोलता हो और इफेक्टिवली अच्छा लिखता हो। तीसरी चीज जो एम्प्लॉयर चाहता है वो है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये कि यू शुड बी लॉजिकल,
बात सेंसिबल आप कर रहे हो, बात को समझ रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ठीक है, जवाब दे रहे हो और चीजों को एनालाइज कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कोई उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट करना चाहिए आना चाहिए, ठीक है, रीजंस देना आना चाहिए। ये तमाम एम्प्लॉयर चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय में ये स्किल्स हो। इसी तरह सेल्फ मैनेजमेंट यानी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। कोई भी एम्प्लॉयर चाहेगा कि जब भी वो किसी को हायर करे तो ऐसे लोगों को हायर करे जो सेल्फ मैनेजमेंट हो, अपने आप को टाइम पर आए, ठीक है, टाइम पर काम करें, टास्क को पूरा करें, लोगों की बात सुने, बॉस को ऑबे करें, कमांड को पूरा करें। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब ये है कि वर्क एज अ पार्ट ऑफ टीम, बी एबल टू टीच एंड लीड अदर्स, यानी आपस में मिलकर काम करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की हेल्प करना। रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, कितने टाइम आपके पास मौजूद है उसको आपको कैसे मैनेज करना है, कितनी चीजें मौजूद हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कितना बजट है उसको कैसे मैनेज करना है, यानी एक सेंस होना चाहिए आपके पास। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब ये कि एम्प्लॉयर चाहता है कि जो जिसको हायर करें वो इस काबिल हो कि वो इवेल्यूएट कर सके, इंफॉर्मेशन पर कोई अपना रिस्पॉन्स देने से पहले उसको देखे, कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर कोई एनालाइज करे, फिर कोई इसका जवाब दे। ये नहीं कि इंफॉर्मेशन आती है एकदम से कोई कंक्लूजन या कोई डिसीजन मेकिंग कर देना। और जो सबसे आखिरी चीज है जिसका मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल शुरू में, वो है टेक्नोलॉजी यूज। हर एम्प्लॉयर चाहता है कि आप टेक्नोलॉजी से हम आहंग हों, सिंक्रोनाइज हों। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और कैसे चीजें एडवांस हो रही हैं, देन यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये वो चीजें थी जो एम्प्लॉयज चाहता है आपसे। ठीक है, सो व्हाट एम्प्लॉयर वांट, दिस इज द आंसर वी हैव जस्ट शेयर फ्रॉम यू बुक। देन करियर स्किल्स टू डेवलप। अच्छा, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा 5 मिनट बाद, काइंडली इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो द टाइम इज गोइंग टू ओवर, आई एम गोइंग टू ज्वाइन आफ्टर 5 मिनट्स अगेन।